भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ का 34वां वार्षिक अधिवेशन शास्त्री टाउनशिप में आयोजित किया गया। भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ वर्धा वैली चंद्रपुर बल्लारपुर का 34वां वार्षिक अधिवेशन शास्त्री टाउनशिप में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ एवं भारतीय मजदूर संघ के ज्येष्ठ नेतागण मौजूद थे, जिसमें प्रमुख रूप से प्रकाश सोनी, सुधीर गुर्डे, शांताराम जी वांड्रे, शिवदयाल जी विसंद्रे, शैलेश मुंजे, पीवी पाटिल, आर के श्रीवास्तव, दिलीप सातपुते आदि मान्यवर मौजूद थे। सर्वप्रथम मान्यवरों के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस वार्षिक अधिवेशन के संबंध में हमारे प्रतिनिधि कृष्ण कुमार को मान्यवरों ने जानकारी दी। सीटीयू के लिए हमारे विशेष संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। रिड्यूस करने का और उसमें शेयर बेचने का जो निर्णय लिया है, उसके तहत भारतीय मजदूर संघ का दिल्ली में 14 जून को एक बैठक हुआ और उसमें ऑल पब्लिक सेक्टर के जो सभी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे और उसमें ये निर्णय लिया कि भारत सरकार द्वारा जो सभी सार्वजनिक क्षेत्र का जो निजीकरण और शेयर बेचने का जो निर्णय लिया है, उसका भारतीय मजदूर संघ द्वारा विरोध किया जाएगा और उसके तहत 23 जुलाई से 9 अगस्त तक पूरे देश भर में जन जागरण अभियान और इस अभियान में पूरे कामगारों के साथ साथ समाज को भी जोड़कर आंदोलन करने का और भारत सरकार के इस निर्णय का विरोध करने का भारतीय संघ ने बीड़ा उठाया और उसी तरह ये प्रोग्राम अभी शुरू हो गए 23 तारीख से और 9 तारीख को कोल इंडिया के सभी GM ऑफिस के ऊपर विशाल धरना प्रदर्शन होगा। उसके बाद भी अगर सरकार उस निर्णय को वापस नहीं होती तो उसके बाद तीव्र आंदोलन की भी घोषणा उसी समय की जाएगी।